Good afternoon, all of you. In the last class, we have to complete exercise 3.3. Now, we are going on next concept, that is trigonometric equation. Let's start. Trigonometric equation. Trigonometric equations. Equations which involve trigonometric function. Equations which involve trigonometric function as a variable. Trigonometric functions as a variable. It's called trigonometric equation. Trigonometric equation क्या है कि कोई भी equation जिसमें क्या हो trigonometric function use हो रहा हो as a variable, तो वो equation क्या होगी? Trigonometric equation. For example, sin square x minus 2 sin x plus 1 is equal to 0, sin x is equal to under 3 by 2, all are trigonometric equations. कोई भी equation trigonometric equation कब होगी? जब उसमें trigonometric function क्या हो? As a variable use हो रहा हो. यहां पे देखो जो ये जो equation है इसमें क्या हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज ए वेरिएबल यूज हो रहा है. तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एनी प्रॉब्लम? तो कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो एज ए वेरिएबल यूज हो, तो वो इक्वेशन क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करें. जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा इसका. साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2. साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहां पे जो एंगल होगा किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 3/2 होगी. तो मतलब इसका सॉल्यूशन होगा जिस एंगल पे साइन की वैल्यू क्या मिली अपने को? अंडर रूट 3/2. तो वो क्या होगा? इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या होगा? सोल्यूशन होगा. यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, यहाँ पे एंगल क्या होगा? क्या होना चाहिए एंगल? 60 डिग्री. तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होगी? साइन पाई बाई थ्री. तो साइन पाई बाई थ्री क्या होगा? अंडर रूट 3/2. जो अंडर रूट 3/2 है उसको किस फॉर्म में लिख दिया? साइन पाई बाई थ्री. तो यहां से दोनों से जो कंपेरिजन करें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई थ्री. एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री. तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री. एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री पे ये जो वैल्यू है साइन पाई बाई थ्री किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 3/2 के इक्वल होगा. तो x इज इक्वल टू पाई बाई थ्री क्या होगा? इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा. एनी प्रॉब्लम? सौरभ, आयुष, एनी प्रॉब्लम? जो x इज पाई बाई थ्री और भी तो वैल्यू हो सकती है जिसपे साइन की वैल्यू क्या मिले? अंडर रूट 3/2. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव. तो साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर 3/2 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री.
साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा 90 से 180 के बीच में, 180 से कम 90 से ग्रेटर, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो साइन टू पाई बाई थ्री, साइन टू पाई बाई थ्री, साइन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू भी क्या होगी रूट थ्री बाई टू, साइन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू भी क्या होगी अंडर रूट थ्री बाई टू, तो ये जो वैल्यू है टू पाई बाई थ्री ये भी क्या होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री और एक्स इज इक्वल पाई बाई थ्री दोनों क्या होंगे इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू। अब साइन एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू टू पाई के बाद वैल्यू क्या होती है रिपीट होती है, जो साइन फंक्शनल ग्राफ है जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, तो टू पाई के बाद साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है रिपीट हो रही है, एक्स इज इक्वल पाई बाई थ्री, एक्स इज इक्वल पाई बाई थ्री, तो वैल्यू क्या होगी साइन फंक्शन की y इज इक्वल टू sin x, किस फंक्शन का ग्राफ है sin x फंक्शन का ग्राफ है, तो x इज पाई बाई थ्री पे sin की वैल्यू क्या होगी रूट थ्री बाई टू, और फिर इस पे वैल्यू क्या होगी यहाँ पे x इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी sin टू पाई बाई थ्री वैल्यू रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू सेम वैल्यू यहाँ पे टू पाई के बाद भी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी रिपीट होगी, वैल्यू क्या होगी रिपीट होगी, यहां पे वैल्यू क्या होगी रूट थ्री बाई टू, तो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं तो जिन पे साइन की वैल्यू क्या हो अंडर रूट थ्री बाई टू, तो टू पाई के बाद जो साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है रिपीट हो रही है, क्या हो रही है रिपीट हो रही है, तो यहां पे बहुत सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है जिसको जो इस इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, तो यहां पे ये जो सॉल्यूशन है जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई के बीच तक की जो भी वैल्यू है जीरो से टू पाई में जो एंगल जो मिलेगा जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री, इसके बाद भी तो वैल्यू मिल सकती है ना साइन एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, टू पाई के बाद वैल्यू क्या होगी रिपीट होगी, बट एंगल तो क्या है इंक्रीज हो रहा है ना, एंगल तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब वैल्यू क्या मिलेगी जैसे यहाँ पे इस इंटरवल में वैल्यू क्या मिलेगी रूट थ्री बाई टू, तो जीरो से टू पाई का जो इंटरवल है जीरो से टू पाई का जो इंटरवल है इसमें जो एंगल की वैल्यू होगी तो वो वैल्यू क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, और जितने भी सारे जो सॉल्यूशंस हैं जो साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू है यहां पे एक्स की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाई करें, तो सारे जो फॉर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर एन बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए बात करें तो क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन, क्या मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री, ये तो क्या होंगे दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और लेस देन टू पाई, लेस देन टू पाई, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब मिलेगा भैया एंगल क्या हो टू पाई से लेस और जीरो से ग्रेटर या इक्वल, जीरो से टू पाई के बीच में जो एंगल है तो वो क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन देगा, क्या देगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन
का मतलब क्या हो गया, जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, जीरो से टू पाई के बीच में, जीरो से टू पाई के बीच में। तो साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन है एक्स इज पाई बाई थ्री और एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तो दोनों वैल्यू है पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री किसके बीच में लाई कर रही है, जीरो से टू पाई के बीच में, जो दोनों एंगल है इस रेंज में आ रहे हैं। ये जो वैल्यू है भी, जो एंगल है जीरो से टू पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दोनों वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री, ये जो वैल्यू है अंडर रूट थ्री बाई टू इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन पाई बाई थ्री। तो साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट थ्री बाई टू। अब इसका जो सॉल्यूशन है जनरल फॉर्म में, साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मैं एन की यहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करूं, एन की यहां पे क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करें, एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू एन की वन, तो वन इंटू पाई पाई प्लस माइनस वन की पावर वन पाई बाई थ्री, माइनस वन की पावर वन माइनस वन, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री। एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू पाई, एन की जगह पुट के टू, तो टू पाई प्लस माइनस वन की पावर टू पाई बाई थ्री, तो टू पाई प्लस माइनस वन की पावर टू पॉजिटिव, तो प्लस पाई बाई थ्री, तो वैल्यू क्या होगी, सेवन पाई बाई सिक्स, सेवन पाई बाई थ्री, सेवन पाई बाई थ्री। एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस माइनस वन की पावर जीरो पाई बाई थ्री, माइनस वन की पावर जीरो प्लस वन, तो वैल्यू क्या होगी, पाई बाई थ्री। तो यहां पे देखो, और भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, एन की थ्री पुट कर सकते हो, माइनस वन पुट कर सकते हो, फाइव पुट कर सकते हो, एन बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। अब देखो पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, सेवन पाई बाई थ्री, इन वैल्यू में से जो वैल्यू जीरो और टू पाई के बीच में लाई कर रही है, तो ये जो वैल्यू है पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री जीरो और टू पाई के बीच में लाई कर रही है, तो ये क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और सभी को अगर कंबाइन करें, जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं उन सभी को कंबाइन करें, वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, एन की टर्म्स आएगी, यहां पे क्या आएगी, एन की टर्म्स, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई थ्री, ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। और जो एंगल है वो जीरो और टू पाई के बीच में लाई करे, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, जनरल सॉल्यूशन में और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है किसी को, कौन सा सॉल्यूशन, जनरल वाला। जो जनरल सॉल्यूशन है इसको प्रूव करेंगे, अभी तो मैंने समझाने के लिए लिखा डायरेक्ट, इसको प्रूव करेंगे कहां से आया है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन पाई बाई थ्री, ये कहां से फॉर्मूला निकला है। जनरल सॉल्यूशन मतलब ये है कि भाई फॉर एन बिलोंग्स टू इंटीजर सारी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। अपने को पता है टू पाई के बाद जो साइन जो फंक्शन है, कोस फंक्शन है, उनकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो यहां पे जो इस इक्वेशन को बहुत सारी
x की वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, विद sin x इज इक्वल टू √3/2, विद sin x इज इक्वल टू क्या है √3/2। तो यहाँ पे x की बहुत सारी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है, तो वो वैल्यू जो 0-2π के बीच में लाई कर रही है तो वो तो क्या देगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो कंबाइंड फॉर्म में लिखें, जीरो और 2π के बीच पर बीच वाली तो वैल्यू आएगी आएगी, और भी वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करें, तो सारी वैल्यू क्या होगी, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे थ्योरम फर्स्ट फॉर रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, फॉर रियल वैल्यू x एंड y, इफ sin x इज इक्वल टू sin y, इफ sin x इज इक्वल टू क्या हो, sin y, इफ sin x इज इक्वल टू sin y। अगर आपके पास इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में हो, sin x इज इक्वल टू sin y, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू y, माइनस वन की पावर n इंटू में y, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। इस टाइप की जो इक्वेशन है उसके लिए ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो उसे प्रूव करें, sin x इज इक्वल टू sin y, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू में y, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। sin x इज इक्वल टू sin y, इस y को साइड ट्रांसफर करें तो sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sin x माइनस sin y, तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 cos x प्लस y बाई टू इंटू साइन x माइनस y बाई टू इज इक्वल टू जीरो। एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर cos x प्लस y बाई टू जीरो और sin x माइनस y बाई टू जीरो। cos x प्लस y बाई टू इज इक्वल टू जीरो, और क्या हो सकता है, sin x माइनस y बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पे cos x प्लस y बाई टू इज इक्वल टू जीरो, cos जीरो कहां पे होगा, cos की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, cos की वैल्यू जीरो कहां पे होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्या हो, ऑड मल्टीपल हो तो वहां पे cos हमेशा क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। तो cos तो यहां पे जैसे cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कब होगा, when थीटा, थीटा क्या हो, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल हो, when थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू, 2n+1 पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पे देखो cos x प्लस y बाई टू इक्वल जीरो, इसका मतलब थीटा इसलिए क्या है यहां पे, x प्लस y बाई टू, तो जीरो कब हो सकता है, तो थीटा क्या हो, 2n+1 पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल हो, इसका मतलब x प्लस y बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n+1 पाई बाई टू, 2n+1 पाई बाई टू, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इस y को फिर ट्रांसफर करेंगे तो 2n+1 पाई माइनस y, x इज इक्वल 2n+1 पाई माइनस y, इसको थोड़ा सा अरेंज करें, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई प्लस माइनस वन की पावर 2n+1 वाई। यहां पर माइनस वन की पावर क्या लिखा है, 2n+1 मतलब ओड मल्टीपल, n का क्या है, ओड मल्टीपल, तो यहां पे जब n की आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, भी ओड होगा, ओड वैल्यू मिलेगी यहां पे, यहां पे n जीरो पुट किया आपने,
तो माइनस वन की पावर वन, तो माइनस वन मतलब माइनस वाई, टू पुट किया, टू पुट कर रहे हो तो कितना होगा, टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव, तो माइनस वन की पावर फाइव क्या होगा, माइनस वाई, सेम रिजल्ट है। तो एक्स इज टू एन प्लस वन पाई प्लस, इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस वन की पावर टू एन प्लस वन और इंटू में वाई, और यहां से क्या होगा, साइन साइन जीरो कब होगा, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, पाई का क्या हो, एन पाई, एक्स इज इक्वल टू क्या हो, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई, तो साइन हमेशा क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। भाई यहां पे थीटा क्या हो, एन पाई का मल्टीपल हो, एन पाई का क्या हो, मल्टीपल हो, तो साइन हमेशा क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा। तो यहां पे साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थीटा की जगह, थीटा की जगह क्या है यहां पे, यहां पे थीटा की जगह क्या है, एक्स माइनस वाई बाई टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कब होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो, एन पाई, जनरल बात करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई, तब साइन क्या देगा, जीरो वैल्यू। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई, एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई, और यहां से देखो एक्स माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टू एन पाई, टू एन पाई, और एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई और प्लस वाई, और एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस, यहां पर क्या होगा, वन इंटू वाई, वन इंटू वाई क्या होगा, वाई, तो जो वन है उसको वन पे क्या लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर टू एन इवन मल्टीपल और इंटू वाई, जो माइनस वन की पावर टू एन, भाई यहां पे पावर क्या है, माइनस वन की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, माइनस वन की पावर अगर क्या हो, इवन नंबर, तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू, और माइनस वन की पावर क्या हो, ऑड नंबर, माइनस वन की पावर क्या हो, ऑड नंबर, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। अब इन दोनों रिजल्ट को क्या करें, कंबाइन करें, अगर ऑड ऑड वैल्यू ले रहे हो तो ये वाला सॉल्यूशन, और इवन वैल्यू है तो ये वाला सॉल्यूशन, अब दोनों कंबाइन करें, दोनों रिजल्ट को क्या करें, कंबाइन करें, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई जो इक्वेशन है उसके लिए क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, अगर आपके पास इक्वेशन किस फॉर्मेट में हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई फॉर्मेट में हो, तो आप डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या यूज कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, और यहां पे आप एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हो और आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, सेकेंड थ्योरम, इफ कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू क्या हो, कोस वाई, अगर इक्वेशन किस फॉर्मेट में हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या होगा इसके लिए जनरल सॉल्यूशन, ये क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। इसको प्रूव कर लेते हैं, cos x is equal to क्या है, cos y, cos x is equal to cos y, cos x is equal to cos y, तो cos x इस y को cos y को उधर ले आओ तो नेगेटिव, तो cos x minus cos y is equal to zero, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos x minus cos y is equal to zero, क्या होगा फॉर्मूला, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो आइदर क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई बाई टू जीरो और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो कब हो सकता है,
जब एंगल क्या हो एन पाई का मल्टीपल, इसका मतलब x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन पाई, x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एन पाई। तो x x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इस टू को मल्टीप्लाई कर दो तो टू एन पाई, और यहां से x की वैल्यू क्या होगी टू एन पाई माइनस वाई, x इज इक्वल टू एन पाई माइनस वाई। ये कब जीरो हो सकता है, जब x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो एन पाई, x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो एन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस वाई इज इक्वल टू टू एन पाई, और यहां से x की वैल्यू क्या होगी, इस y को ट्रांसफर करें तो क्या होगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस y। दोनों सॉल्यूशन को क्या करें कंबाइन करें, दोनों सॉल्यूशन को क्या करें कंबाइन करें, तो x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ये क्या होगा इसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? थर्ड जो थ्योरम है, लास्ट जो थ्योरम है थर्ड, इफ टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, अगर इक्वेशन किस फॉर्मेट में हो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वेयर एक्स एंड वाई आर नॉट अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, पाई बाई टू, एक्स और वाई क्या नहीं होने चाहिए पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल, जैसे यहां पे एक्स क्या होगा पाई बाई टू, तो टेन पाई बाई टू क्या होगा इनफाइनाइट, ऐसे टेन वाई, यहां पे वाई क्या हो जाए पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू का क्या हो ऑड मल्टीपल हो, जहां पे पाई बाई टू क्या होगा ऑड मल्टीपल होगा टेन, नाइनटी क्या होगा टेन पाई बाई टू क्या होगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को क्या है डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो यहां पे जो एक्स और वाई है वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो टेन एक्स इज इक्वल टेन वाई, तो इसके लिए क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या होगा इसके लिए इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, इस टेन वाई को उस साइड ट्रांसफर करो तो टेन एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू जीरो, टेन एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू जीरो, टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अपॉन कोस में, क्या टेन को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस टेन वाई साइन वाई अपॉन कोस वाई इज इक्वल टू जीरो, एलसीएम क्या होगा कोस एक्स कोस वाई एलसीएम, कोस एक्स कोस वाई एलसीएम, तो क्या होगी वैल्यू साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो, याद है प्रॉब्लम है किसी को, याद है प्रॉब्लम है, अब देखो यहां पे साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स किसका फॉर्मूला बन गया यहां पे, साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड कोस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू जीरो, इस वैल्यू को ट्रांसफर कर दो जीरो में, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, और साइन जीरो कब हो सकता है जब क्या हो एंगल क्या हो एन पाई का मल्टीपल हो, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एन पाई, साइन एन पाई, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई, और एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, और वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर, क्या हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? तो जो तीनों जो थ्योरम है उनको एक साथ लिख लेते हैं, इफ साइन एक्स
इज इक्वल टू साइन वाई और इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई और इफ टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई और वे एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इस केस में क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर और टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो टेन वाई, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई और वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सारे क्या है जनरल सॉल्यूशन। अगर एंगल क्या हो जीरो और टू पाई के बीच में लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? इफ टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, इफ टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या गिवन है, टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट थ्री, तो क्या फाइंड करना है इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पे टेन एक्स इज इक्वल टू क्या है वन बाई अंडर रूट थ्री, तो यहां प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा भाई, जो यहां पे जो एंगल की वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू वो अगर जीरो से टू पाई के बीच में आ रही है तो वो तो क्या देगा प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री, तो किसकी वैल्यू होगी वन बाई रूट थ्री, कब होगी वैल्यू टेन की टेन पाई बाई सिक्स, यहां पर जो वन बाई रूट थ्री है उसको मैंने क्या लिख दिया टेन पाई बाई सिक्स। अब यहां पे देखो इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ गई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, इक्वेशन किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, वाई के लिए यहां पे क्या है पाई बाई सिक्स, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो टेन वाई हो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, मतलब x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई और वाई की क्या है यहां पे पाई बाई सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये तो क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब क्या फाइंड करना प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, तो टेन पाई बाई सिक्स, यहां पे जो एंगल क्या हो पाई बाई सिक्स हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन बाई रूट थ्री, तो एक तो वैल्यू क्या जाएगी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, जीरो से टू पाई के बीच में आ रही वैल्यू तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स हो जाएगा, और एक क्या होगा टेन कहां पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाई सिक्स, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा क्या होगा टेन थीटा, तो टेन पाई बाई सिक्स और टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी है वन बाई रूट थ्री, तो यहां पे 10 कितना हो गया 7 पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, तो यहां से भी एक्स की वैल्यू क्या होगी सेवन पाई बाई सिक्स, ये भी वैल्यू क्या है जीरो से टू पाई के बीच में लाई गई दोनों वैल्यू, तो यहां पे जो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स एंड सेवन पाई बाई सिक्स, तो क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस
पाई बाई सिक्स और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा जहां पे एन के टर्म्स मिले, जो सोल्यूशन जिसमें क्या हो एन के टर्म्स हो और वे एन बिलोंग्स टू क्या हो इंटीजर हो, और यहाँ पे जो एंगल्स मिलेगा वो क्या होना चाहिए जीरो से टू पाई के बीच में, जीरो से टू पाई के बीच में। तो ये क्या, ये जो सोल्यूशन हो किस टाइप का आएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, सौरभ, आयुष? नो सर। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में भी आता है क्वेश्चन। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो तीन जो इक्वेशन है, तीनों जो थ्योरम्स हैं, बी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कोस एक्स इज इक्वल टू क्या हो कोस वाई हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो टेन वाई हो तो तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ये तीनों जो थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनका यूज करेंगे और कल की क्लास में अपने करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।